वो हर एक सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलेगा ही, बट उसी के साथ इंस्टाग्राम में सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। ऑरेंज रॉक इधर नॉकडाउन निकाल चुके हैं, टीएसएम के पास हम लोग चलेंगे चलेंगे गाइस फिलहाल के लिए। एंड एकदम लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को टीएसएम वॉल्सेस देखने के लिए मिल चुके हैं ऑरेंज रॉक का वाइट, एंड टीम टीएसएम या फिर टीम ऑरेंज रॉक कौन निकाल के लेके जाने वाले इस पूरे एंटायर सिचुएशन को वो देखने के लिए होल्ड करेंगे। जोनाथन एंड नियो दोनों ही नॉकडाउन हो चुके थे, जी गॉड फाइनली जोनाथन को भी रिवाइवल दे देंगे। ब्रेक सी क्लोज में ही देखने के लिए मिले थे, लेकिन मोलोटोव का इधर इस्तेमाल किया जा रहा था, ह्यूज लीड्स का इस्तेमाल बैक टू बैक एंड इसी मोलोटोव के साथ। नो गाइस मोलोटोव जो है वो सेकंड मोलोटोव जो था वो कनेक्ट होने में देखने के लिए नहीं मिला, बट देखते ही देखते एक के बाद एक दो नॉकडाउन निकालने में सफलता इनको मिल चुका है। हम लोग आ चुके हैं टीएसएम जोनाथन के पास, जी गॉड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वीरू का जो किल था वो सिक्योर करने में सफलता मिल चुका है ऑरेंज रॉक को। बाटीदार जी गॉड एंड जोनाथन दोनों ही बहुत ही ज्यादा उम्दे किस्म का एसोल्टर एंड लाइक हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट एसोल्टर इन इंडिया। एंड उसी के साथ साथ राइट हैंड साइड से पूरे घूम के एकदम पूरा चक्कर लगा के जाएंगे एंड 420 के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। 420 अपने आप को ब्रोकन वेल के बाहर ही ऑलराउंड करने की कोशिश करेंगे, आएगा स्टार्ट एंड नॉकडाउन कर चुके जोनाथन को। बहुत ही ज्यादा सुंदर परफॉर्मेंस फ्रॉम 420, बट पीछे की तरफ से जी गॉड का क्या उम्दे किस्म का कवर एंड आदित्य देखने के लिए मिल जाएंगे, गिल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आदित्य का नॉकडाउन निकाल चुके हैं, गिल लास्ट में लाइफ बहुत ही ज्यादा कम, अगर इधर रिलोड नहीं आता तो आई थिंक टीम ऑरेंज रॉक इधर वाइप आउट हो सकता था, बट टीम टीएसएम को इधर निकालते हुए गिल का 14 10 HP क्लच था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिला एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर देखने के लिए मिला।